वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मद्रास फर्टिलाइज लिमिटेड, जो फर्टिलाइज सेक्टर का बहुत अच्छा शेयर्स है। ये जो शेयर्स है, 30 जो कंपनी है हमारे देश में फर्टिलाइज सेक्टर की, उसमें इसका जो रैंक है वो 12वां रैंक है। काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। जब इस शेयर ने शुरुआत की थी तो इस शेयर का रेट था 15 रुपये, और सबसे कम इस शेयर का जो रेट हुआ था सबसे कम 5 रुपये के आसपास हुआ था। अब हम बात करते हैं इसकी मिनिमम औसत की। इसकी जो औसत है वो 25 से 35 के बीच में ही रहती है। अब हम बात करते हैं इसके 52 वीक के परफॉर्मेंस के बारे में। 52 वीक पहले इसका जो रेट था 9 रुपये था, और आज इसका जो रेट है 30 रुपये हो चुका है। मतलब 52 वीक में इसका जो परफॉर्मेंस है 3 गुना तक बढ़ा है, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस कि इस सेक्टर में जो है इसकी जो भागीदारी है -8.3% चल रही है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म ड्राइवर। शॉर्ट टर्म ड्राइवर की माने तो ये पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म टाइम में नेगेटिव है, लेकिन ये फिलहाल ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यदि हम देखें तो ये बरिश की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इंटरडे करना बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसकी स्टिक्स की। स्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसके देखिए जो बोली से काफ़ी कम है। और अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं इस शेयर की। अब हम बात करते हैं इस शेयर का जो हाईएस्ट प्राइस कितना है। इस शेयर ने जो अपना हाईएस्ट प्राइस जो अचीव किया था वो किया था 55 रुपये तक इस कंपनी के शेयर चले गए हैं, लेकिन फिलहाल के जो करंट सिचुएशन हम देख सकते हैं ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया है 52 वीक में। ये फर्टिलाइज सेक्टर का अच्छा शेयर है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी बिलो एवरेज है। वैल्यूएशन रिस्की और वैल्यूएशन रेट काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके नेट सेल की। इसकी जो नेट सेल है 630 करोड़ के आसपास होती है। स्टॉक के अंदर इसका जो योगदान है 37% है, सेक्टर के अंदर 29% और सेंसर्स के अंदर 16 से 17% तक इसकी भागीदारी है। इंडस्ट्री की बात करें तो फर्टिलाइज है, जो किसान संबंधी जो कृषि के जो खाद बीज आदि बनाती है, और जिसकी जो मार्केट कैप है 496 करोड़ है। दूसरी जो फर्टिलाइज कंपनियाँ हैं उनके मुकाबले इसकी जो मार्केट कैप है थोड़ी ही कम है। और बात करते हैं पी रेशियो की। पी रेशियो फिलहाल इसका -17.57 चल रहा है, मतलब ये माइनस में चल रहा है, मतलब काम धाम कम चल रहा है, जिसकी वजह से इसका जो शेयर के दाम है फिर भी देखिए आप 30 रुपये के आसपास चल रहे हैं। यदि काम चला तो हो सकता है कि इसी परफॉर्मेंस अपनी दोहराई वही 50 से 70 के बीच में इसके टारगेट होने के अनुमान हैं। अब बात करते हैं इसे प्रोमोटर्स इसे जो कंपनी की काफ़ी अच्छे ज़्यादा हैं, 85% तक परफॉर्मेंस है, और म्यूचुअल फंड में योगदान नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूट में इनका योगदान 14% तक है। कुल मिला के देखा जाए तो मद्रास फर्टिलाइज लिमिटेड काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं, और आने वाले भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में नहीं, डिलीवरी होल्डिंग में। यदि आपको ऐसी ही जानकारी और अच्छे शेयर की जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।